तो आनंद शर्मा की रिपोर्ट में योगी सरकार की तारीफ पर अब गृह राज्य मंत्री बोले हैं, जब भी सरकार की निष्पक्ष समीक्षा होगी तो तारीफ होगी। ये कहना है अजय मिश्र टेनी का। हमारी सरकारों ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने निष्पक्ष भाव से कार्य किया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने योगी सरकार के काम की तारीफ की है। इस पर गृह राज्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है अजय मिश्र टेनी। उन्होंने कहा कि जब भी कामकाज की निष्पक्ष समीक्षा होगी सरकार की तो तारीफ होगी। हमारी सरकारों ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने निष्पक्ष भाव से कार्य किया है। ये कहना है अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री का। आनंद शर्मा की रिपोर्ट पर बोले हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। विपक्ष द्वारा योगी सरकार की तारीफ पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लोकतंत्र में संसदीय जो हमारी समितियां होती हैं उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन में बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता के कारण विरोध और समर्थन करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो स्थायी समितियां होती हैं उसमें निष्पक्ष रूप से हम किसी भी बात की चर्चा करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। तो उसी क्रम में आनंद शर्मा जी की जो हमारी जो स्थायी समिति थी संसद की, उसने जब निष्पक्ष भाव से उत्तर प्रदेश की सरकार का एक तरह से कामकाज देखा होगा तो उनको लगा होगा कि ये कामकाज अच्छा है, तो स्वाभाविक है कि उनको वो प्रशंसा करनी ही पड़ी और करेंगे ही। अटल पेंशन योजना को लेकर उत्तर प्रदेश नंबर वन हो गया है। अटल पेंशन योजना के मामले में देश में यूपी को पहला स्थान मिला है। यूपी सरकार की उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार अब सम्मानित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार को। 16 अगस्त को यूपी सरकार को पुरस्कृत करेगी केंद्र सरकार। तो एक और उपलब्धि यूपी ने अपने नाम कर ली है। देश भर में वैक्सीनेशन का नंबर वन रिकॉर्ड बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के खाते में एक और प्रथम स्थान आया है। अटल पेंशन योजना को लेकर पूरे देश में यूपी नंबर वन हो गया है। अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, बताइएगा अटल पेंशन योजना उसे लेकर किस तरह उत्तर प्रदेश नंबर वन बना है और कितने बड़े पैमाने पर इसका लाभ लोगों को मिल रहा है यूपी के अंदर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश नंबर वन है पूरे देश में और 16 तारीख के कार्यक्रम है वहां पर यूपी को सम्मानित किया जाएगा। तमाम हमने देखा है बहुत सारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें यूपी अव्वल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात कर लीजिए, शौचालय की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है, नंबर वन पर रहा है। और अब अटल पेंशन योजना में भी यूपी सरकार ने प्रथम स्थान हासिल किया है पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिस तरीके से योजनाओं को लागू करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस उस पर रहता है। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशरीज इसके हों, हर एक योजना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। यही वजह है कि अपनी योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी सरकार का फोकस रहता है। जी हाँ बिल्कुल। तो और इस योजना को यूपी में जिस तरह से लागू किया गया, पहला स्थान पूरे देश में मिला है, इसके लिए केंद्र सरकार पुरस्कृत करेगी यूपी सरकार को 16 अगस्त के दिन। शुक्रिया अनुभव अपडेट के लिए।